हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन मॉमकॉम। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सैनिटाइज़र के बारे में। क्या हमें सैनिटाइज़र का यूज़ करना चाहिए या फिर साबुन का यूज़ करना चाहिए? बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि आज के टाइम में सैनिटाइज़र यूज़ किया और चल दिए। सैनिटाइज़र जब आप अपने हाथों पर लगाते तो वो हमारे हर एक कोने में नहीं पहुँच पाता और वायरस को पूरी तरह से, गंदगी को पूरी तरह से दूर नहीं कर पाता। तो हमेशा ही सैनिटाइज़र की बजाय साबुन का यूज़ कीजिए। जब आप साबुन से हाथ धोते हैं तो क्या होता है, जब भी किसी कास्टिक होता है ना साबुन में, कास्टिक को हम किसी भी चिकनाहट वाली चीज़ पे डालेंगे तो क्या होगा, चिकनाहट दूर हो जाएगी। उसी हिसाब से अगर वायरस के ऊपर भी कास्टिक वाली चीज़ डाली जाए तो वो वायरस भी ख़त्म हो जाता है। अगर आप घर पे हैं तो 100% साबुन से हाथ धोइएगा, लेकिन अगर आप बाहर हैं तो आप सैनिटाइज़र का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर उसे कोने कोने में ज़रूर लगाइएगा। इस बात का ध्यान रख के आप अपने आप को और अपने परिवार को 100% सेफ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपने सैनिटाइज़र कौन सा यूज़ करना है। अगर आप सैनिटाइज़र ले रहे हैं जिसमें 50-60% तक अल्कोहल है तो आप सैनिटाइज़र नहीं लीजिए, क्योंकि उसका कोई भी यूज़ नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल वो फालतू चीज़ है। अगर उसमें 80-90% तक अल्कोहल है तो वो सैनिटाइज़र काम का है, वायरस को मार सकता है, नहीं तो नहीं मार सकता। इसीलिए आप जब अपना सैनिटाइज़र खरीदें तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर अल्कोहल की क्वांटिटी कितनी है। ये थी बहुत छोटी इन्फॉर्मेशन, लेकिन आज के टाइम में बहुत खास है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज़ बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।